अलवर लोकसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर जसवंत यादव ने कई जगह सघन दौरे किए। इस दौरान ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ और डीजे के साथ उनका स्वागत किया, साथ ही साफा पहनाकर समर्थन का भरोसा भी दिया। संपर्क के दौरान प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्री हेम सिंह बड़ाना, हज कमेटी चेयरमैन अमीन पठान, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय शर्मा, जिला उपाध्यक्ष राजेश जांगड़ और भिवाड़ी नगर पालिका चेयरमैन संदीप दायमा भी साथ रहे। इसके अलावा वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष आलम शौकीन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ इन नेताओं की अगवानी की। इसके अलावा सजे धजे ऊँटों पर सवारी भी निकाली गई। चुनावी दौरा एक तरफा है, मोदी के नाम की लहर है, वसुंधरा के काम की लहर है, वसुंधरा के नाम से, वसुंधरा जी के विकास से, मोदी के नाम से जनता पूरी देशभक्त बनी पड़ी है। सब प्रधानमंत्री मोदी जी को बीजेपी की जय जयकार कर रहे हैं। खालड़ी भैंस की तरह है, कितना ही चारा चरा लो, दूध तो देने गोबर के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है उसको। आज की सभा को देख कर क्या कहेंगे? सभा को आज की तो नहीं, ये तो रोजाना की हमारी ऐसी सभा हो रही है। हम चाहते हैं 2,80,000 का हमारी पार्टी के उम्मीदवार का एक रिकॉर्ड को तोड़े, 2 की जगह 3 लाख से जीते जब हमारी जीत। लोकसभा के आज के दौरे से नहीं, दिल्ली जो दौरे चल रहे हैं हमारे लोकप्रिय ऐतिहासिक दौरे चल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिस गांव में जा रहा है, गांव की जनता पलक झपकते स्वागत कर रही है। जनता पार्टी और जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास का विजन, माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास का विजन को लेकर के जो चल रहे हैं, पार्टी का कार्यक्रम जिस तरह से चल रहा है, विश्वास है कि बहुत अच्छे मार्ग के साथ हम ये सीट जीतेंगे। वहीं डॉक्टर जसवंत यादव ने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा कर आम जन से भाजपा के पक्ष में वोट मांगा। इसके साथ सरस डेयरी अलवर के चेयरमैन बनाराम मीणा भी थे। वहीं यादव ने 28 गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान भाजपा उम्मीदवार ने कहा कि आगामी 1 वर्ष में अलवर जिले में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री बनने वाली, ये तो केवल विकास का चुनाव है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आखिरी इस कार्यकाल का आखिरी बजट है, माननीय वसुंधरा जी का आखिरी बजट है। सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे तो पहले ही आपका इलाका बहुत पिछड़ चुका है, तो आखिरी बजट में इलाके के लिए अधिक से अधिक काम ला सकते हैं। नीचा से सीधा पड़ेगा, सरकार चल रही है उसके विरोध में जाने से क्या मिलेगा?